कौन प्रताप? कौन प्रताप? आप हमारे साथ बिजोलिया चल रहे हैं या नहीं? चलते हैं ना बच्ची। क्या एक लिंक चिरा ना? क्या एक लिंक ची? चल। क्या हुआ भाई साहब? पता नहीं हमारे लिए क्यों अचानक इतना धड़क रहा है। वीर भाई जी, जी छोटी जीजा, आप लोग जाइए। हमने सुना कि आप कुंवर प्रताप और राणा जी का विजय तिलक करना चाहती हैं। नहीं जीजा, हम तो केवल कुंवर प्रताप का विजय तिलक करना चाहते हैं। कुंवर प्रताप का क्यों? आप राणा जी का भी तिलक कीजिए ना, ऐसे भी हमारा कोई स्थान रह नहीं रहा। आप नहीं हैं तो आपने स्वयं को इस महल का सर्वोच्च भविष्य मान लिया है। नहीं, हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है छोटी जीजा। छोटी जीजा मत कहिए हमें। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, जयवंत अबाई इस महल की बड़ी महारानी है, पर राणा जी के मन पर हमारा शासन चलता है और चलता रहेगा। और जिस कुंवर प्रताप की आप विजय आरती उतारना चाहते हैं, वे सिर्फ अपनी छोटी मासा की सुनते हैं। इसलिए यदि आपको ये लगता है कि जयवंत अबाई जी के आगे पीछे होकर या उनकी हाँ में हाँ मिलाकर आप हमारे सामने कभी तन कर खड़ी हो पाए, तो हम बता दें आपको, ये बात आपका कभी ना पूरा होने वाला दीवा स्वप्न है। वीर भाई जी, ऐसा दुस्साहस, अभी अभी आपको इतनी सारी बातें की, उसे कम इतना तो समझ जाइए आप कि आपको हमारे पीछे खड़े होना है। हाँ, हमारे पीछे चलिए। गौर प्रताप की जय! गौर प्रताप की जय! गौर प्रताप की जय! राणा जी और कुंवर प्रताप का है। अरे बीरबाई जी, आपने तो कहा था कि आप आरती करना चाहती हैं। ओ जीजा, फिर हमने सोचा कि हम छोटे हैं, धीर भाई जी बड़ी है, यदि वो आरती करेंगी तो अधिक उचित होगा। घणी खम्मा राणी सा, घणी खम्मा। राणा जी और कुंवर प्रताप कहाँ हैं? रानी साहब, उन दोनों को राव मामरख जी आदर सहित एक दिन के लिए बिजोलिया ले गए। बिजोलिया? शुभ समाचार है, अब मेवाड़ और बिजोलिया के बीच जो भी बची कुची खटास है वो भी मिट जाएगी। वैसे भी राव मामरख जी हंसा और अजबदे के मन में मेवाड़ के राजघराने के लिए बहुत आदर है, विशेष रूप से प्रताप के लिए। विजय के साथ साथ ये भी बहुत शुभ समाचार लाए हैं आप रावत जी। हीरबाई जी, मेवाड़ की विजयी सेना और शुभ समाचार के साथ आए हैं रावत जी, आरती उतारिए इनकी। कुंवर प्रताप पधार रहे हैं। अब समझ में आया आपका हृदय क्यों इतनी जोर जोर से धड़क रहा था। आ,
चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। इस समय जब अकबर चारों ओर से राजपुताने को घेर रहा है, हमारी धरती आपसे आपकी भावनाओं का बलिदान मांग रही है। यहाँ भी अजबदे, आपको हमारा ही बलिदान दिख रहा है, आप भी तो बलिदान दे रही हैं अजबदे। चुप हो जाइए, बोलने से पहले सोच लिया करिए। कब आ रहे हैं? किसी भी क्षण पधार सकते हैं महल। अच्छा, तो फिर हमें यहाँ से जाना होगा कहीं। सौभाग्यवती को संदेश भेज दिया ना कि हम उनके यहाँ आ रहे हैं? जी भाई जी, भिजवा दिया। ठीक है, अब आप सब जाइए। अजबदे, आप कहीं जा रहे हैं क्या? आपको पता है ना, कुंवर प्रताप और राणा जी पधार रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारियां नहीं करनी है आपको? ये हम आ ही रहे थे आपके पास माँ, आपको बताने कि हम मंदिर जा रहे हैं। क्या मंदिर? क्यों? पंडित जी से मिलने, किंतु उन्होंने तो बता दिया था कि पूजा में क्या क्या सामग्रियां चाहिए। अच्छा, सब बता दिया, फिर हमारी क्या आवश्यकता है वहां जाने की? हे मामा। हाँ आजा। वर्मा, आप ही ने तो हमें कहा था ना नारियल लाने के लिए, हम जाए। किंतु रमा ने तो हमें बताया था कि वो आप कली ले आई थी। मंदिर ही जाना था तो ये सामान क्यों बांध लिया आपने? बहुत पुराने बस से इकट्ठे हो गए थे, हम इसीलिए। आप कैसा विचित्र व्यवहार कर रही हैं आप अजबदे। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप चलिए हमारे साथ, स्वागत तैयारियों में हमारा हाथ बटाइए। आइए। हाँ, आप चलिए हमारे, आपके पीछे पीछे। ठीक है, किंतु शीघ्र आइए। हमने जो भी किया फूल के लिए, इसलिए जीत फूल की मानी चाहिए, और अब आपको फूल से ही विवाह कर लेना चाहिए। हमें मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। अच्छा हुआ जो कुंवर प्रताप के सामने न आने का निर्णय लिया है आपने, वैसे ही काफी कठिनाइयां पैदा कर चुकी हैं। हमें लगता है कि आपको भूमिगत हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम फिर से कुंवर प्रताप के सामने नहीं आ सकते, उनसे इतने दिनों दूर रहने की हमारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। हे किरण जी, अब हम महल से बाहर कैसे निकलेंगे? पधारी।
विजय की हार्दिक बधाई। लीजिए। आप महल में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या बात है समासी जी? पिछली बार आप जब यहाँ आए थे तब आपका स्वागत और मान मरवाड़ तो दूर, हम सच में हमें बहुत दुख है उस बात का। मासी जी, हमारी रानी माँ सदा हमसे कहती थी कि बीती ताही विसार दे और आगे की सोच ले। इसलिए वास्तव में जो कुछ हुआ हम उसे कब का बुला चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप भी उसे बुला दें, क्योंकि हंसा मासी जी, इनका ना तो वर्तमान में कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही भविष्य में। इसलिए आप उसे लेकर कुछ मत सोचिए, भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाए हम अपनी भूल को? उस समय हमने आपकी एक भी बात का विश्वास नहीं किया था। हम स्वीकार कर रहे हैं ना अपनी भूल। मासी जी, बस एक बार हमें अजब्दे से मिलने दीजिए, हम उसे क्षमा मांगना है। कौन पता, हमने आपसे कह दिया ना, नहीं मिलने दे सकते अजब्दे से आपको। अंसा जी, इसलिए तो कौन प्रताप दोबारा आए। स्वागत तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन पिछली बार ये आपके हाथों के घेवर नहीं खा पाए थे, इसलिए वापस आए। हमें तो डर इस बात का है तो ये पिछली बार की कसर इस बार ना निकाले। इसे देख ले, अच्छा देखो, मैं बस आती हूँ। निर्मला, माँ को बोल देना मारे हैं। हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? वो दाजीराज, वो लक्ष्मी, लक्ष्मी से मिलने जा रहे हैं। चाहिए चाहिए, मिल लीजिए लक्ष्मी से। चलते हैं। अब एक बार ठंडे मन से सोच लीजिए, यदि अजब्दे अचानक सामने आ गई तो क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। देख लीजिए,
आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हमें तो लगा कि हमने सूखे पत्ते उठा लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम युद्ध के मैदान में थे और आप हमारे लिए कठोर व्रत कर रही थी? नहीं तो, किंतु हाँ, इतने लंबे युद्ध ने आपको अवश्य कुछ बलिष्ठ बना दिया है। चलिए, आज भी हमारे बीच की ये निरंतरता जीवंत है। आज भी हर बात पर हमारे दृष्टिकोण भिन्न रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा मंतव्य आपकी बात का विरोध करना नहीं था, सच। अच्छा, तो हम अभी सिद्ध कर देते हैं बात। जो हम कहेंगे आप ठीक उसका उल्टा बोलेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ है तो नहीं, किंतु आप करिए सिद्ध। हमें लगता है कि आप महल से चुपचाप छिपकर भाग रही थी। हमें नहीं पता कि आप कहाँ जा रही थी, किंतु आप महल से छिपकर भाग रही। क्या बात कर रहे हैं? भला हम अपने महल से क्यों भागेंगे? इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। देखा, हमने कहा था ना कि जैसा हम कहेंगे आप ठीक उसका उल्टा बोलेंगे, और देखिए हमने सिद्ध भी कर दिया। अब यदि आपको फिर भी संशय है तो आपकी खिड़की से गिरा आपका ये वस्त्र आपका संशय दूर कर देगा। छोड़िए इसे, और ये बताइए कि आप हमारे कक्ष के नीचे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ, हाँ वो वर्षा कितनी अच्छी हुई है ना, बस वर्षा ऋतु का आनंद उठा रहे थे। अच्छा, वर्षा ऋतु का आनंद, वो भी हमारे कक्ष के नीचे, महल के सामने, इतने बड़े हरे भरे उद्यान को छोड़ के हमारे कक्ष के नीचे। हे भगवान, अब हम क्या करें? माँ तो इधर ही आ रही है। ये सामान, ये वस्त्र, आप हमें क्या देख रहे हैं? हमारी सहायता करिए, इन्हें कहीं छुपाइए। फिर पहले आप स्वीकार कीजिए या महल से छिपकर भाग रही। नहीं, आप भाग रही थी। नहीं, हाँ ना, हाँ हाँ हाँ, ना ना ना। अजबदे, आप बोलिए, आप भाग रही थी, छिपकर भाग रही थी। इसमें ऐसा क्या था? ये तो हम भी कर सकते थे। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, हम उसे वापस लेकर आते हैं, आप करके दिखाइएगा। सब लोग बैठक में जलपान के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए,